लो भाई 2023 मतलब इस बार मूवीज की बाढ़ आ रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी वैसी हल्की फुल्की फिल्में आ रही हैं, जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली मूवीज आ रही हैं। और खासकर 2023 तो मुझे लग रहा है सिक्वल्स के लिए जाना जाएगा, और वो भी इतने हिटेस सिक्वल्स। भाई पहले गदर 2 का अनाउंसमेंट हुआ, फिर OMG 2 और अब ड्रीम गर्ल 2, और ये तीनों फिल्में अपने टाइम पर भयंकर सुपर हिट हुई थी, और तीनों फिल्मों का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर आ चुका है, और क्या कॉमेडी होने वाली है इस बार, ट्रेलर से ही साफ पता लग रहा है। भाई दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा मूवी में। तो देखो, कहानी को नए वर्जन में क्रिएट करा गया है, जो स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट में थी उसी को जबरदस्ती खींचकर फॉलो नहीं किया, तो ये न्यू स्टोरी का पैटर्न अमेजिंग लग रहा है। और यस, स्टार का सेम है, बस 2-3 चेहरे और ऐड कर दिए हैं, लाइक राजपाल यादव और परेश रावल, तो ये दोनों बड़े और ज़बरदस्त चेहरे ऐड करे गए हैं। और भाई साहब ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है यार, फुल कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, पूजा का वही रूप दोबारा देखने को मिलने वाला है जैसे अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, एक साथ कितनों का चूतिया काटा था, अपने बाप तक का चूतिया काट दिया था, है ना। लेकिन इस बार बाप को छोड़कर पूरी दुनिया का चूतिया काटते नजर आ रही है पूजा उर्फ आयुष्मान खुराना। देखो ट्रेलर से जो मोटा मोटा पता चल रहा है कि आयुष्मान के पापा ने जो दुनिया भर का कर्ज ले रखा है, और आयुष्मान को अपने ससुर का प्रूफ देना है 25 लाख का बैंक बैलेंस दिखाकर, ताकि उसकी शादी हो सके हीरोइन यानी अनन्या पांडे से। एक बार के लिए बात काटूंगा यार, नुसरत बारूचा सही तो थी, फिर काहे जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। चलो करा भी तो तुम्हें अनन्या पांडे ही मिली, जो कतई आयुष्मान खुराना के सामने जम ही नहीं रही है। आयुष्मान खा जाएगा अपनी परफॉर्मेंसेस को, बाय गॉड। आते हैं वापस ट्रेलर में। या दोस्तों, कर्ज निपटारे के लिए आयुष्मान वापस बनता है पूजा, और फिर जो तबाही मच रही है मूवी में, भाई बहुत मजा आने वाला है। देखो इसे कहते हैं कंटेंट। एक बात तो है, OMG 2 और गदर 2 को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देगी ये फिल्म, और मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए दोनों फिल्मों को खदेड़ भी सकती है, क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 कॉन्टेंट के दम पर बाजी अपने हाथ ले जाएगी, पक्का कह रहा हूँ। साथ ही यार आयुष्मान खुराना ये बंदा खतरनाक है एकदम, क्या ही ब्लॉकबस्टर लेवल की एक्टिंग है इसमें। मतलब एक फीमेल का करेक्टर पकड़ना और साला फिर उस करेक्टर को इतनी बारीकी से पकड़ना, उसमें इतनी बारीकी से घुस जाना, भाई मज़ा आ गया कसम से। बाकी जो कास्ट है ना, सुपर अमेजिंग कास्ट है, और इसके डायलॉग क्या ज़बरदस्त होने वाले हैं, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल है। ऊपर से जो कास्ट है, सारे के सारे मझे हुए दमदार एक्टर, उनके द्वारा जो डिलीवरी हो रही है भाई बहुत शानदार। जैसे 3-4 डायलॉग बहुत मस्त लगे मुझे, जिसमें से पहला ये है कि जब मनजोत सिंह विजय राज को बताता है ये पूजा की माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी जस्ट आपके पीछे से गुजरा है। क्या कॉमिक टाइमिंग है, ट्रेलर आप देखोगे कसम से मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ दूसरा डायलॉग ये, जब आयुष्मान बोलता है कि फ़ोन से भी ज़्यादा फीचर ऊपर वाले ने मुझे दिए, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, अमेजिंग राइटिंग भाई अमेजिंग। इसी के साथ तीसरा ये वाला था कि ऊपर से नीचे तक असेंबल्ड हूँ मैं, चलते फिरते कोई हार्डवेयर गिर गया तो बवाल मच जाएगा, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी बिल्कुल। और चौथा एंड लास्ट मेरा फेवरेट सीन होने वाला है, जब परेश रावल झूठ बोलने पर मारते हुए कहते हैं कि 20 मिनट तक मैं देखता रहा, सनी देओल की जगह सनी लियोनी गदर मचा रही थी। भाई 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 दिल से बोल रहा हूँ, मैंने 4-5 बार बैक करके देखा ये डायलॉग, ऑसम है, बिल्कुल ऑसम होने वाली है मूवी। तो स्क्रिप्टिंग एंड राइटिंग सुपर लेवल है, डायलॉग एक नंबर है, कॉमिक टाइमिंग बहुत सॉलिड डिलीवर करी जा रही है एक्टर्स के द्वारा, मूवी फुल ऑफ पैक धमाका होने वाली है, दिल थाम के बैठ जाओ। और 25 अगस्त का करो इंतजार, क्योंकि मूवी आ रही है उसी दिन। दोस्तों जाने से पहले एक दो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा कि ड्रीम गर्ल सेकेंड का ट्रेलर अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आपको कैसा लगा। दूसरा, OMG 2 और गदर 2 और ड्रीम गर्ल 2 तीनों में ब्लॉकबस्टर हिट कौन सी फिल्म होने वाली है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।